यस 12th क्लास। यस बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक और क्वेश्चन आज आपके लिए। कहाँ से है ये क्वेश्चन? इंटीग्रेशन से। चलिए, क्या है ये क्वेश्चन बेटा? इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन 1 cos² x dx। यस, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सीबीएसई एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है बेटा। जस्ट सी, अगर हम इस एक्स को भूल जाएं, साइन एक्स अपॉन 1 cos² x, आई थिंक बिल्कुल क्लिक कर जाता है आपको। कॉस एक्स पुट करें, उसका डेरिवेटिव साइन एक्स, ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही है बेटा? एक्स 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 भी इन्वॉल्व हो गया बीच में, कैसे करें इसे? कोशिश करें एक्स रिमूव करने की, वही कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स अपॉन 1 cos² x के लिए तो हमें स्टैंडर्ड मेथड पता है। तो वो कोशिश कैसे हो सकती है बेटा? जस्ट सी, ये नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to π, 0 to a। आई थिंक 0 to a देख के आपको क्विकली क्लिक कर जाती है प्रॉपर्टी जो हम बहुत ज्यादा बार यूज करते हैं। 0 to a f(x) dx इज 0 to a f(a−x) dx, राइट? हम इस इंटीग्रल को कंसीडर करते हैं। आपने ये क्वेश्चन, हाँ, हमेशा केयरफुली देखना है बेटा। मुझे याद है जब ये बोर्ड एग्जाम में आया है और मैंने चेक किया हुआ है, बहुत से बच्चे ये एक्स देखना ही स्किप कर देते हैं, एक्स देखना ही स्किप कर देते हैं। जो आपको अभी मैं मेथड बता रही हूँ कि कॉस एक्स को पुट करना, साइन एक्स उसका डेरिवेटिव, इसी से करना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल देख नहीं पाते कि एक्स भी इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी लगनी है, ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं आपको लिख चुकी है, आप बिल्कुल यहाँ रीजनिंग में लिख सकते हैं। 0 to π, एक्स की जगह π − x, बी केयरफुल, एक्स की जगह π − x, साइन ऑफ एक्स की जगह π − x, ठीक है? ये बच्चे कई बार क्या करते हैं, फंक्शन में ही π − x कर देते हैं। हमें एक्स को रिप्लेस करना है π − x, ठीक है? ओके, अब यहां पर आपके रिजल्ट यूज होंगे अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल साइन π − θ, π − θ इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई के मल्टीपल में साइन साइन ही रहेगा, तो ये साइन एक्स। ओके, 1 cos² π − x, cos π − x इज, लेट मी जस्ट राइट हियर कि आपको रिकॉल हो जाए, sin π − x इज sin x, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बट cos π − x इज बेटा −cos x। बट यहां आप देखो तो यहां पर आपका ये स्क्वेयर है, मैं इसका स्क्वेयर लिख सकती हूँ बिल्कुल यहाँ पर। जब स्क्वेयर है तो ये भी आपका वही एक्सप्रेशन रहा जो स्टार्टिंग में है, π − x इंटू sin x अपॉन 1 cos² x। तो डेनोमिनेटर सेम हो गया बेटे, स्टार्टिंग एक्सप्रेशन में जो डेनोमिनेटर है वही इसमें है। न्यूमरेटर क्या हुआ, ये x sin x, ये π − x sin x। आई थिंक अब आपको हिंट मिल गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा ये x sin x, ये −x sin x कैंसिल, π × sin x रह जाएगा सिर्फ, पाई कांस्टेंट है, आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर वही प्रोसीजर जो जनरली हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके करते हैं, हम 2i कंसीडर करते हैं। 2i विल बी आई प्लस आई, फर्स्ट आई जो हमने एज्यूम किया x sin x डिवाइडेड बाय 1 cos² x dx, और सेकेंड आई इज जो हमने अभी चेंज किया π − x sin x अपॉन 1 cos² x। क्या बेनिफिट हुआ बेटे इससे? दोनों इंटीग्रेंट हम ऐड कर देंगे, और क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, 1 cos² x हम रहने देते हैं सच। फर्स्ट इंटीग्रेंट का न्यूमरेटर x sin x, दूसरे का न्यूमरेटर π sin x −x sin x। ओके, तो −x sin x, x sin x इज कैंसल्ड, π sin x में से π आप कॉमन ले सकते हैं बाहर, 0 to π sin x 1 plus
कॉस स्क्वायर एक्स, और डेफिनेटली इसके लिए हम पुट कर सकते हैं बेटा, चलिए यही लिख देते हैं, वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। कॉस एक्स को अब हम एज्यूम कर रहे हैं बेटा टी, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी टी। और अगर सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में है वो आप लिखो तो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। टोटल आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेटा, आप इसी स्टेप से लिख पाते हैं, बिल्कुल इस स्टेप से लिखिए। मैं हर लेवल के बच्चे को ध्यान में रख के आपसे मेथड डिस्कस करती हूँ। जब x आपका जीरो है तो t आपका cos जीरो दैट मीन्स वन, ओके। और जब x आपका पाई है, जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है हम वो पूरा फॉलो कर रहे हैं, t आपका cos पाई दैट मीन्स माइनस वन, माइनस वन। तो अब इन सबको अब हम इसमें पुट कर दें तो हमारा 2i क्या हो जाएगा बेटा, लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। 2i विल बी पाई वन टू माइनस वन, ठीक है, लोअर लिमिट वन अपर लिमिट माइनस वन, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और वन प्लस कॉस एक्स की जगह टी। इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, आई थिंक बिल्कुल क्लियर याद है बेटा आपको, दैट विल बी टेन इनवर्स टी। एक्स फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्स लिख सकते थे बिल्कुल यहाँ पर आप, दिस इज टेन इनवर्स टी बट विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस है, वन टू माइनस वन दैट मीन्स पाई, माइनस बाहर ले लेती हूँ मैं, टेन इनवर्स माइनस वन माइनस टेन इनवर्स वन, ओके। सो दिस विल बी टेन इनवर्स माइनस वन विल बी माइनस टेन इनवर्स वन दैट मीन्स माइनस पाई बाय फोर, माइनस टेन इनवर्स वन इज अगेन पाई बाय फोर, तो दिस इज माइनस पाई इंटू माइनस पाई बाय टू, एंड दैट कैन बी रिटन एज पाई स्क्वायर बाय टू, दैट मीन्स आई इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय फोर, या आप यूं कहिए जो आपसे इंटीग्रल पूछा था जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय फोर, ओके। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे आपकी थिंकिंग प्रोसेस चल सकती है बेटा उस हिसाब से गाइड करने की कोशिश करती हूँ। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, एनी टाइम यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप। दैट्स ऑल फॉर द डे।